सो हे गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। और भाई ये लिया है भाई मेरे अपना नया फोन जो कि आईफोन 15 प्रो। और ये फोन मुझे इतना ज्यादा सस्ते में पड़ा है ना कि भाई तुम हैरान हो जाओगे सुन के। एक नॉर्मल आईफोन 15 प्रो 256 GB ना जो मेरे पास है, ये इंडिया में आता होगा अराउंड 140,000 का, ठीक है। कैनेडा में मिलता है अराउंड 110,000 का, लेकिन मुझे पड़ा है सिर्फ 60,000 रुपीज़ का, सिर्फ $1,000 का। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई ये फोन मुझे इतना सस्ता कैसे पड़ा। और यही नहीं भाई, फोन के साथ जो है मुझे ये केस भी मिला है, साथ में जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो भी मिला है। और मतलब मैं खुद बिलीव नहीं कर सकता था कि ये इतनी बढ़िया डील मुझे मिल भी सकती है। मुझे लगा कि भाई स्कैम होगा, लेकिन जब मैंने फोन को खरीदा तब मुझे चला भाई ये स्कैम नहीं है। और मतलब मैं लकी हूँ भाई बहुत ज्यादा। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई कैसे मिला ये इतना सस्ता फोन मुझे और कैसे तुम भी ले सकते हो, ठीक है। और बहुत ईजी है, सिर्फ फोन के साथ नहीं, तुम ये ट्रिक किसी भी चीज के साथ कर सकते हो। इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। काफी सिंपल सी चीज है लेकिन काफी लोग नहीं करते, ठीक है। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है भाई, इतना सस्ते में आईफोन 15 प्रो मिल गया 256 GB ब्लैक कलर। और मतलब चला के मजा आ रहा है। मेरे पास से पहले था आईफोन 11 प्रो, फिर मैंने 13 प्रो पे अपग्रेड करा जिससे मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और जिस दिन मैंने 13 प्रो पे अपग्रेड करा ना, उसके एक दो हफ्ते बाद ही मुझे ये 15 प्रो की डील मिल गई, तो मैंने ये ले लिया। तो भाई अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि भाई ये फोन मुझे इतने सस्ते में कैसे मिला, ठीक है। लेकिन जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करा हुआ, भाई यहाँ पे आईडी आ रही होगी, सबसे पहले जाके फॉलो कर लो, क्योंकि ऐसी काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स और जो टिप्स एंड ट्रिक्स और जो भी चीजें मैं नई एक्सप्लोर करता हूँ ना कैनेडा में, वो मैं सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। और उसके बाद अगर मुझे वर्थ इट लगती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना जाता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो। और मैंने ना कुछ स्टोरीज पोस्ट करी थी जब मैं ये आईफोन लेने गया था, तो मैं तुम्हें पहले वो स्टोरीज दिखा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें आगे की स्टोरी पूरी बताता हूँ, ठीक है। तुम पहले वो इंस्टाग्राम वाली स्टोरीज चेकआउट करो। सो हे गाइस, एक इंटरेस्टिंग अपडेट्स मैं तुम्हें दे दूं, क्योंकि रियल टाइम ये चीज मेरे साथ हो रही है। मैं अभी मार्केट प्लेस पे ना स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक बहुत बढ़िया डील मिली जो कि थी आईफोन 15 प्रो 500 GB न्यू, ब्रांड न्यू था, यू नो, जो अभी आउट ऑफ द बॉक्स आया था। और वो मुझे मिल रहा है $1,050 का। आई नो इट इज टू गुड टू बी ट्रू, इंडियन रुपीज में 63,000 रुपीज में आपको एक ऑलमोस्ट न्यू फोन मिल रहा है आईफोन 15 प्रो। मुझे थोड़ा सा फिशी लग रहा है, लेकिन मैं अभी सेलर से जो है मिलने जा रहा हूँ गेटवे स्काई ट्रेन स्टेशन पे, जो कि वो थोड़ा यू नो क्राउडेड रहता है, तो वो ज़्यादा आई थिंक बेटर ऑप्शन होगा। देखते हैं, मैं रियल टाइम में अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये स्कैम है क्या है, लेकिन जो भी है लेट्स सी। मैं तुम्हें पूरी आगे स्टोरीज में पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे डील हुई क्या हुआ। और भाई इन केस मान लो ये डील रियल है तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डील है। और मुझे पता है बहुत सारे बायर्स ने मैसेज कर दिया होगा, इसलिए मैंने उस बंदे को कहा कि भाई मैं अभी आ रहा हूँ लेने, मुझे अभी चाहिए, अभी आपको मैं पेमेंट करूँगा और आप मुझे फ़ोन दे दो, बात ख़त्म, ठीक है। अब बंदा पाकिस्तान का है, ठीक है, तो उससे मैंने हिंदी उर्दू में ही बात करी और मैंने उससे कहा कि भाई मैं अभी आ रहा हूँ। और उसने कहा कि भाई मैं कंपनी की तरफ से फ़ोन जीता था और इसलिए जो है मेरे पास इसका बॉक्स नहीं है, लेकिन मैं अभी सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में हूँ और मैं आपसे गेटवे स्टेशन में मिल लेता हूँ। आई नो काफ़ी फिशी लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा फिशी लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, मेरा मन नहीं मान रहा भाई घर पे रहने को, मेरा मन करे एक बार ट्राई करके आ जाते हैं। और बात यार थोड़ी ना सेल्फ रिस्पेक्ट की भी है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं एक टेक पर्सन हूँ, एक आईटी पर्सन हूँ, और मुझे पता चल जाना चाहिए अगर कोई जो फ़ोन है वो फेक है या फिर स्टोलन है। तो इसलिए जो है ना मैं फुल प्रिकॉशन ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं कोई कैश नहीं कैरी कर रहा कि यू नो इन केस कुछ हो जाए, तो मैं कोई कैश कैरी नहीं कर रहा। अगर फ़ोन ठीक हुआ तो मैं ई ट्रांसफ़र करूँगा सीधा, और मेरे पास बंदे का फ़ोन नंबर भी है और हम मिल भी क्राउडेड जगह पे रहे हैं, तो मैं कोई भी जो है ना चांस नहीं ले रहा। तो अपनी साइड से मैं फुल प्रिकॉशन ले रहा हूँ, फ़ोन मैं अच्छे चेक करूँगा, 15-20 मिनट लगा के IMEI नंबर चेक करूँगा, फ़ोन की बैटरी हेल्थ चेक करूँगा, डेट ऑफ परचेज चेक करूँगा, वारंटी बची या नहीं बची ये चेक करूँगा, हर चीज़ चेक करने के बाद उसके बाद ही पेमेंट करूँगा। और देखते हैं भाई, स्कैम हो गया तो इट इज़ अ लेसन, नहीं हुआ तो इट इज़ अ डील, लेट्स सी। फ़ोन ले लिया है, पैसे दे दिए हैं, घर जाके इंस्पेक्शन करूँगा क्योंकि थोड़ा फिशी मामला हो गया था। मुझे अभी भी स्पेक्टिकल लूँ, मेरा लॉस भी हो सकता है $1,000 का और डील भी अच्छी मिल सकती है। सो आई डोंट नो, आई एम रियली स्केयर्ड, घर जाके ट्राई करेंगे। अगर लॉस भी हो गया मुझे ज़्यादा यू नो दुख नहीं होगा, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिला कि भाई अगली बार से ऐसा नहीं करना। बाकी मतलब ये देख लो 60-40 वाला सीन है भाई साहब, मैं क्या बताऊँ भाई, फ़ोन मिल चुका है, एप्पल को कॉल करा, एप्पल ने कहा भाई जेन्युइन फोन है, सीरियल नंबर चेक कर लिया मैंने, IMEI नंबर ऑनलाइन डाल के चेक कर लिया, अपना आई क्लाउड साइन इन कर लिया, कोई कैरियर लॉक नहीं है, अनलॉक्ड फोन है, ठीक है। इसकी मैंने जो है बैटरी साइकिल काउंट होता है कि ये फोन कितनी बार चार्ज हुआ है 100% से 0% पे कितनी बार आया, सिर्फ 3 बार। ये फोन की मैंने परचेज डेट चेक करी 4 दिसंबर, 3 दिन पहले परचेज करा है, 3 बार चार्ज हुआ है, 100% बैटरी लाइफ है। ये फोन की
जो वैल्यू है ना अभी मार्केट वैल्यू अराउंड 1760 डॉलर्स है, 1800 डॉलर्स के आसपास है इंक्लूडिंग टैक्स, मुझे मिला है 1050 डॉलर्स का और एवरीथिंग इज वर्किंग ग्रेट भाई। मुझे ये समझो नया फोन मिल गया 700 डॉलर के डिस्काउंट में, मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकता आज का दिन भाई क्या बढ़िया बन गया मेरा। ठीक है, लेकिन थोड़ी फिशी चीजें भी हुई कि जैसे मैं वहां पे था ना, 1% बैटरी थी इस फोन में, आईफोन 15 प्रो में, जब उन्होंने मुझे दिया मैंने कहा भाई ये तो कुछ लग रहा है गलत सा, फोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने टिम हॉर्टन्स ANW पे जाके, चिपोटले पे जाके भाई मैंने पिन मांगी, अपना सिम इंसर्ट करा, उसके बाद भाई पता नहीं कहां 7-Eleven पे जाके हमने चार्जिंग पे लगाया फोन, वो तो अच्छा है भाई वो भी साथ में थे, ऐसा नहीं कि भाई यू नो कोऑपरेट कर रहे थे, तो पूरा जब मैंने आधा घंटा लगा के चेक करा आराम से उसके बाद फोन लिया, तो भाई लेकिन मैं बिलीव नहीं कर सकता भाई कितनी बढ़िया डील मिली। ओके भाई, स्टोरी तुमने देख ली तो मैं क्लियर हो गया होगा। बेसिकली ये फोन मुझे फेसबुक मार्केट प्लेस से मिला है और काफी लोग ना अंडर एस्टिमेट करते हैं भाई फेसबुक मार्केट प्लेस को कि भाई फेसबुक मार्केट प्लेस पे सेकंड हैंड चीजें तो मिलती है, इंडिया का OLX है, लेकिन भाई यहाँ पे ना हर टाइप के लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि यू नो जिनको ज्यादा फिक्र ही नहीं है भाई, जिनके पास ऑलरेडी भाई बहुत पैसा है, उनको अगर 1000 का फोन उन्होंने 500 में बेचने के लगा दिया तो वो इजीली भाई बेच देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1000 का फोन लगाया तो वो 800 का प्राइस डालेंगे। ठीक है, तो दोनों टाइप्स के लोग हैं, तुम्हें जो है ना देखना है कि भाई कौन बंदा जो है सबसे सस्ता फोन दे रहा है या फिर कौन बंदा जो है इजीली देने को तैयार हो जाएगा, और नेगोशिएट करना तुम्हें आना चाहिए। मैंने ऑल तो नेगोशिएट करा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ना सस्ता लगा हुआ था फोन, 1800 डॉलर्स का है भाई जो नया फोन है ये, और मुझे मिला 1050 डॉलर का। ठीक है, 50 डॉलर्स को मैं काउंट नहीं करता क्योंकि मुझे इसमें स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा हुआ मिला, बैक जो कवर है वो भी लगा हुआ मिला, तो बेसिकली फोन मुझे 1000 डॉलर में ही मिल गया, बाकी स्क्रीन प्रोटेक्टर और ये भी जो है साथ में मुझे मिल गए, तो वो मेरे साथ बहुत बढ़िया चीज हो गई। और बाय द वे अगर आप नहीं नहीं अभी इंडिया से कनाडा आ रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप अपना कनाडा का सिम इंडिया से ही लेके आओ क्योंकि उसमें आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। फ्री में जो सिम है कनाडा का सिम आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने, आपको रॉजर्स और फाइडो जैसे जो यहाँ पे मेजर सर्विस नेटवर्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उनमें से आप किसी का भी सिम चूज कर सकते हो और आपको बहुत अमेजिंग प्लान भी मिल जाते हैं। और अभी जो डील चल रही है वो है 35 डॉलर्स में 50 GB डेटा जो कि मैं खुद भी यूज करता हूँ, तो ये काफी अमेजिंग डील है और आपको ना कनाडा के धक्के नहीं खाने पड़ते कौन सा सिम बढ़िया है, कहाँ से सिम प्लान ले, ठीक है उसको एक्टिवेट होने में इतना टाइम लगेगा, कुछ नहीं भाई, इंडिया बैठे बैठे अपना कनाडा का सिम लो, जब कनाडा होगे अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, आप इंटरनेट और यू नो कॉलिंग दोनों अच्छे से यूज कर पाओगे कनाडा लैंड होते हुए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करो और अपना कनाडा का सिम इंडिया बैठे बैठे ले लो। ठीक है, अब अगर आपको भाई ऐसी कोई डील चाहिए ना तो उसके लिए आपको लुकआउट करना पड़ेगा, सबसे पहले फेसबुक मार्केट प्लेस पे देखो। ठीक है, मैं तो भाई मेरा तो प्लान ही नहीं था कि मैं आईफोन 15 प्रो लूंगा अभी। ठीक है, मैं अपने इंडिया भेजने के लिए ना घर पे भेजने के लिए फोन देख रहा था कोई कि मैं आईफोन 13 प्रो या फिर आईफोन 14 इस टाइप का कोई फोन जो है इंडिया भेजने के लिए ले लूं, और मुझे वैसी ये वाली डील मिल गई तो मैंने सोचा यार ये वाला फोन मैं खुद ले लेता हूं और जो मेरे पास 13 प्रो था जो कि मैं थोड़े दिन पहले खरीदा था वो मैं जो है इंडिया भेज दूंगा, तो मुझे बहुत बढ़िया डील मिल गई। और जैसे तुमने देखा भाई थोड़ा रिस्की भी था, तुम्हें थोड़ा ना सावधान रहना पड़ता है, तुम्हें थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए भाई कि फोन का क्या सीन रहता है, कैसे आपको परचेज करना है। अब आगे वीडियो में बात करते हैं भाई आप ये कैसे ले सकते हो भाई, इतनी बढ़िया डील जो है आप खोज ले सकते हो अपने लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज फेसबुक मार्केट प्लेस पे ना अलर्ट्स का ऑप्शन है, उसको अनेबल कर दो। ठीक है, सिर्फ आईफोन ही नहीं, मैं तुम्हें खुद बताऊं ना, मैं तो सोच रहा था कि बिजनेस स्टार्ट कर लूं कि अपने ये जो फोन्स होते हैं ना इसको सस्ते में लेके महंगे में बेचने का, क्योंकि ये मैंने जो फोन लिया ना, धूप आ रही है वैसे, ये जो मैंने फोन लिया ना ये 1050 का लिया मैंने इंक्लूडिंग कवर और प्रोटेक्टर। ठीक है, इजिली भाई ये फोन मैं 1400 का बेच सकता था लेकिन मैंने बेचा नहीं क्योंकि मुझे खुद यूज करना था। ठीक है, लेकिन तुम खुद सोचो अगर तुम ऐसी डील जो है फाइंड करो और उसको फिर सेकंड हैंड बेचो तो भाई एक ही दिन में 400 डॉलर का प्रॉफिट कमा सकता था मैं, इतना कोई जॉब नहीं देती भाई, पूरे दिन 8-8 घंटे काम करके तुम कमाओगे 100-150 डॉलर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दिन में 400 डॉलर कमा सकता था और मैंने कुछ ऐसा वो भी नहीं करा भाई, मैंने एफर्ट भी नहीं डाला, मैं रैंडमली फेसबुक मार्केट प्लेस स्क्रॉल कर रहा था और इतनी बढ़िया जब डील मेरे सामने आई ना कि भाई एक बंदा इतने सस्ते बेच रहा है, मैंने कहा भाई मैं अभी जाके लेके आऊंगा, मुझे वेट नहीं करना कि मैं कल जाऊं या फिर रात को, भाई 9-10 के आसपास बज रहे थे शायद और मैं चला गया और फोन लेके आ गया। और बाय द वे मैं आया हुआ हूँ भाई अपनी यूनिवर्सिटी, तो भाई आज वो देना है जहाँ पे मैं अपनी यूनिवर्सिटी को वन ऑफ द लास्ट टाइम पूरा अच्छे से विजिट कर रहा हूँ, इसके बाद सिर्फ कॉन्वोकेशन के दिन आऊंगा जिस दिन मुझे अपनी डिग्री लेनी है उस दिन आखिरी आके फिर यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगा फिर मैं। ठीक है, मतलब आ सकता हूँ लेकिन वैसे अब टाइम होता नहीं किसी के पास इतना, ठीक है काम भी होता है इसलिए मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तो वही है सेकंड लास्ट डे है मेरे यूनिवर्सिटी का, पिछले 1.5 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं, 1.5 साल से भी ज़्यादा ही ऑलमोस्ट, और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी थी, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, बस थोड़ी महंगी थी और थोड़ी सी ना कहते कलरलेस है ज़्यादा कुछ, मतलब यू नो इवेंट्स काफ़ी कम होते हैं और ज़्यादा
मतलब इतना कलरफुल या फिर कितना इतना ज्यादा वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, हैपनिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन अगर जो हैपनिंग यूनिवर्सिटीज हैं वैनकूवर में वो महंगी बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से ठीक भी है। तो भाई अब मैं थोड़ा अंदर आ गया था, मैंने सोचा तुम्हें एक बार फोन भी दिखा दूं। तो ये रहा भाई अपना आईफोन 15 प्रो, 256 GB की स्टोरेज है इसमें, और एक मिनट रुको, हाँ ये देखो बस, बाकी बढ़िया चल रहा है यार फोन, फोन में कोई भी दिक्कत नहीं है। और तुम्हें एक और फन फैक्ट बताता हूँ इस फोन के बारे में, अब मैं तुम्हें इस फोन के बारे में एक और फन फैक्ट बताता हूँ। मैंने इस फोन की ना डेट चेक करी कि ये फोन किस दिन सबसे पहले ऑन हुआ था, इसकी डेट ऑफ परचेज क्या थी, और जिस दिन मैंने फोन लिया था ना उस दिन इसकी डेट ऑफ परचेज सिर्फ 2 days अगो थी, मतलब ये अगर मैंने 15 को फोन लिया तो ये 13 तारीख को उन्होंने खरीदा था, तो मुझे सिर्फ 2 दिन पुराना फोन मिला, ठीक है। तो टेक्निकली ये यूज फोन भी नहीं है, ठीक है, और उन्होंने कहा कि मैंने एक बार भी इसको यूज नहीं करा इस फोन को, जैसे वो बंदे ने इसलिए फोन दे दिया क्योंकि वो कह रहे थे कि उनको अपने बेटे के लिए लेना था, लेकिन उनको कंपनी से गिफ्ट मिला था और उनका बेटा कह रहा था कि उनको आईफोन 15 प्रो नहीं चाहिए, 15 प्रो मैक्स चाहिए, तो उन्होंने 15 प्रो जो है सेल पे लगा दिया और इसलिए मैंने खरीद लिया। तो ये पूरा सीन हुआ था और इस चक्कर में मुझे 15 प्रो मिल गया इतने सस्ते प्राइस में, और इसमें ना बहुत सारी चीजें गलत हो सकती थी, हो सकता है मैं वहां जाता हूं मुझे नकली फोन देते, इसलिए तुम्हें ना चेकिंग करनी पड़ेगी। मैंने आधा घंटा उनका लिया था, आधे घंटे में बैठा रहा स्टोर में जहां पे भी हम मिले थे उस एरिया में, और पूरा फोन अच्छे चेक करा, इवन एप्पल की कस्टमर केयर को कॉल करा, उनसे पूछा कि भाई आप फोन का EMI नंबर लो, सीरियल नंबर लो, सब कुछ चेक करके मुझे बताओ कि फोन ओरिजिनल है या नहीं, उन्होंने कहा ओरिजिनल है। फिर मैंने फोन में सारी सेटिंग्स चेक करी, ये चेक करा कि कोई कैरियर से लॉक्ड तो नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या होता है अगर आप किसी प्लान के साथ फोन लेते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रॉजर्स या फिर अपना बेल या फिर किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में फोन लिया है, तो कभी कभी क्या होता है वो ना सिम के साथ लॉक कर देते हैं फोन, कि अगर आपने सिम निकाली कोई और सिम डाला तो वो फोन चलना बंद हो जाएगा, तो उसमें सिग्नल ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो वाला भी चीज सीन होता है कि ऐसा ना हो कि भाई मेरा सिम इसमें चले ही ना, तो मैंने अपना सिम भी डाल के देखा, हर चीज देखी, आधा घंटा लगा के, उसके बाद जब मुझे कंफर्म हो गया कि भाई सही है फोन, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसके बाद मैंने फोन लिया। तो थोड़ा रिस्की भी था, लेकिन भाई रिस्क है तो इश्क है, ठीक है, रिस्क था, मैंने रिस्क ले लिया और मुझे जो है $400 का प्रॉफिट हो गया। बाकी यार मैं अकेला नहीं हूं, मैंने इससे पहले ना और काफी सारी चीजें बहुत सस्ते में ली है मार्केट प्लेस से, और मैं इस वीडियो को बना इसलिए रहा हूं ताकि मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम कनाडा आ रहे हो या फिर ऑलरेडी कनाडा में हो तो हर चीज नई लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम ऐसी काफी सारी चीजें जो कि तुम सेकंड हैंड ले सकते हो, सेकंड हैंड चीजों पर ट्रस्ट करना सीखो, क्योंकि यहां पे इंडिया सिस्टम नहीं है। यहां पे मैंने पता है तुम्हें एक और चीज बता दूं, मैंने अभी अपना गूगल होम लिया था सेकंड हैंड, जो कि अराउंड $150 का आता है, मैंने लिया था अराउंड $60 में, ठीक है, तो तुम देख सकते हो आधे से भी कम प्राइस मुझे पड़ा। तो उसके साथ ये सीन था कि मैं उनके पास गया और मैंने उसे बॉक्स लिया जिसके अंदर गूगल होम था, और मैंने बॉक्स खोल के भी देखा, क्योंकि मुझे पता था कि भाई यहाँ पे ट्रस्ट करना किसी को बहुत इजी है। जब मैंने अपना स्मार्ट स्पीकर, जो मेरा पुराना वाला था लेनोवो की क्लॉक का स्मार्ट स्पीकर था, जो मैंने बेचा ना, मैंने उसको मैसेज करा कि डू यू वांट टू चेक इट, तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे मैसेज पे कहते हैं नहीं, मुझे बस आप बॉक्स दे दो, बॉक्स अंदर डाल के आई ट्रस्ट यू। तो मैंने क्या करा, स्मार्ट स्पीकर को बॉक्स के अंदर डाला, और जब वो उन्होंने मेरे डोर पे नॉक करा, मैं जाके उनको स्मार्ट स्पीकर दे आया और उनसे पैसे ले आया। कोई यहां पे चेक नहीं करता, कोई चीज ऑन करके नहीं देखता, तो ऐसा वाला सीन है यहां पे, ठीक है। डेफिनेटली भाई कुछ स्कैमर्स भी होते हैं, लोग स्कैम भी करते हैं, तो मैं अपनी साइड से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, स्पेशली जब तुम इतना $1000 की चीज की बात कर रहे हो। लेकिन क्योंकि यहां पे लोग इतने एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और यहां पे स्कैम्स इंडिया से तो कम ही होते हैं, इसलिए जो है तुम एक सेफ साइड पे भी रहते हो अगर तुम सेकंड हैंड चीजें परचेज करते हो, स्पेशली मार्केट प्लेस से। तो प्लीज भाई मार्केट प्लेस पे जाओ और जो भी तुम्हें चीज सही है ना, नई चीज खरीदने पहले सेकंड हैंड का प्राइस देखो और ट्राई करो नेगोशिएट करने का, क्योंकि यहां पे लोग मान जाते हैं, इजीली नेगोशिएट कर लेते हैं, ये मैंने चीज देखी है। इंडिया में शायद इतना ना करें, लेकिन यहां मैं देखा है भाई काफी लोग नेगोशिएट कर लेते हैं। मैं देखा है जैसे अगर किसी ने 800 का डाला है, मैं उसको 700 पे भी ले आता हूं, ठीक है, और तो नेगोशिएट करना भी इजी है, जहां पे ज्यादा हार्ड नहीं है। तो मार्केट प्लेस पे जाओ, जो चीज सही है वो देखो, नेगोशिएट करो, और अच्छे लग रहा है तो ले लो, और जाके चेकआउट करो अच्छे से अगर तुम्हें अब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करना है तो। अगर छोटी मोटी जैसे मेरा स्मार्ट स्पीकर मैंने लिया था गूगल होम का, ठीक है, $60-70 का कुछ लिया था मैंने, वो मैंने चेक ही नहीं करा, मुझे पता था कि भाई फैमिली घर था किसी का, मैंने कहा मेरे पास एड्रेस है इस बंदे का कॉन्टैक्ट है, गलत क्यों थेगा, तो मैंने ऐसे ही ले लिया वो। तो बस यार यही था इस वीडियो में, बाकी यार मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने चैनल पे बनाई हुई है, जाके वो चेकआउट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि ये चीज ना, ये जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ आईफोन 15 वाला, ये सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे ही स्टोरीज में बताया था, ठीक है, तो वो जाके जरूर चेकआउट कर लेना मेरा इंस्टाग्राम, और चैनल पे काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो जाके चेकआउट करो, सब्सक्राइब करो चैनल। यहाँ पे ना तुम्हें 2 वीडियोस मिल जाएंगी, नंबर 1 मेरा भी जो मैंने लास्ट मेरी पढ़ाई खत्म हुई थी उसका मैंने बताया था कि भाई मैं पढ़ाई खत्म हो गई है, मैं वर्क परमिट पे आ गया हूं, तो उसका क्या सीन है, पूरा एक्सप्लेन करा था कि फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो वो वीडियो, और दूसरी वीडियो लाइफ ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा, ये दोनों वीडियो आ रही होंगी यहाँ पे, दोनों जाके चेकआउट कर लो। दिस वाज समरजीत साइनिंग ऑफ।